नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। रंधावा गांव के अंदर कई फैक्ट्रियां लगी हुई है और इस फैक्ट्री की लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और आज ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में आपको हम दिखाएंगे कि यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये फैक्ट्री बनी हुई है। रंधावा गाँव के ही आबादी क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर यह फैक्ट्री है और यहाँ पर उसी तरह का ही जो काम चल रहा है जिस तरह का पहले की दो जो पार्टों के अंदर आपने देखा था कि कच्चा माल प्रयोग इसके अंदर बनाया जाता है और उससे फिर खाद तैयार की जाती है। और इसके अंदर यहाँ पर भी आरोप ये है कि यहाँ पर रबड़ का प्रयोग होता है, रबड़ जलाया जाता है और उससे यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे में अब इसकी हम अंदर के जो दृश्य है इसका हम आपको दिखाएंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से कितना यहाँ पर रबड़ का प्रयोग होता है या नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर इसके अंदर का आपको दृश्य हम दिखाते हैं। अभी इस फैक्ट्री के अंदर भी जब जांच की गई, जब पड़ताल की गई तो उसमें भी यहां पर बुरादा जो कि रबड़ का बुरादा था वो यहां पर भी बरामद हुआ है। साइड के अंदर इसको ढक के एक हिसाब से इन्होंने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन यहां के जो ग्रामीण है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने इसको ढूँढ निकाला है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रबड़ का बुरादा यहाँ पर डाला हुआ है। किसानों ने, ग्रामीणों ने यहाँ पर इसको ढूंढ निकाला है और इस तरह के जो बैग हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बैग यहाँ पर जमा है। तो ये तीसरी फैक्ट्री लगातार यहाँ है ऐसी जहाँ पर रबड़ के बुरादे का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ये वैलिड है क्या यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर वैलिड है क्या ये आपके कागजों में ये है कि ये जरा सुपरवाइजर से मैं पूछने लगा। हाँ जी बताइए, ये वैलिड है क्या ये आपकी फैक्ट्री के अंदर ये मिला है? किस पर्पज के लिए है ये? ये वैसे ही पुराने जब फैक्ट्री बन रहा था ना तब यूसेज के लिए लाए थे इसको। अच्छा, उसके बाद से ये यहीं पड़ा। क्यों, किस लिए है? किस लिए? वो काम पड़ता है उस समय प्लांट सेट करने के लिए, इसको नीचे जो वाइब्रेट होता है ना, वाइब्रेशन होती है मशीन की, उसके नीचे दबाने के लिए लगाते हैं। अब जलाते नहीं हो आप इसको? अभी हम आपको और सबूत दिखाएं। किस चीज का? आप कह रहे हो जलाते नहीं है। ये जो इतना, हाँ सिर्फ हम टायर ऑयल यूज करते हैं वो भी स्टार्टिंग में करते हैं। अभी ये क्या है और छुपा के क्यों रखा हुआ है? फिर एक साल छुपा के क्यों रखा हुआ है? छुपा के कहाँ रखा हुआ है? बताओ, बीच में तेरा काम के लिए और काम करे, काम करे और रबड़ थे बाड़ा लाग रहे हो। मैं अब बात जमीनी लेवल की बात करो, जो माने रात ने काम ने क्यों कराओ? टायर ऑयल जरूर बांटते हैं, टायर ऑयल वो दिखा दो। नहीं यहां पैर के पैर का कचरा नहीं बांटते। ये फैक्ट्री है, इसके अंदर सफाई करनी आती है, वाइट रंग की आती है, वो 10 मिनट आधे घंटा घंटा यहाँ रुकती है, उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो हम तो ये सोच रहे थे ये फैक्ट्री सही तरह चल रही है, इनके कागज सही है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो ये तो फैक्ट्री गलत है, इसमें रबड़ चलाए जा रहे हैं। तो उसके बाद सरकारी गाड़ी किस लिए आती है, क्या करती है? कितने दिन में आती है गाड़ी वो? कभी 15 दिन में, कभी महीने में, कभी 2 महीने में। एक साल हो गया इस फैक्ट्री को लगे, 2-3 बार तो मैं देख चुका हूँ गाड़ी को। मेरे खेत यहीं पर है, प्लॉट पर मेरे खेत है, सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं। सरकारी गाड़ी आती है, बोलेरो गाड़ी आती है, वाइट और आती है, इस रोड से वापस चली जाती है। तो यहाँ रबड़ आपने देखा है क्या? हाँ रबड़ अभी देखा है और पहले भी देख चुके हैं, और काफी बार उस फैक्ट्री में काफी बार कह चुके हैं, इस फैक्ट्री में अभी तक आए नहीं। सारी है जी फसल मेरी सारी बर्बाद हो रही है इस फैक्ट्री की वजह से। पहले मैंने डीसी साहब की एप्लीकेशन लगवाई, इन्होंने शायद फर्जी साइन में मिला के एप्लीकेशन उठा जाए बाकी से। फर्जी साइन? तो अब यहाँ कोई क्या, डीसी साहब ने मार्क किया था डीडीओ साहब को, डीडीओ साहब मौके पर देखने के लिए आए, इसने अपना फर्जी दे के कुछ कर लिया। ये तो रिश्वत है, ये तो अपने को सब पता है। तो यहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या कोई रबड़ वगैरह? रबड़ तो जल ही रहे, आपको पता ही है, रबड़ जल रही है, सारे पेड़ पौधे, सारी फसल कोई बिके को नहीं, कणक गेहूँ कौन दे, कणक कौन दे, सब्जी को दे, करांगे भी। इनसे जो फैक्ट्री के मालिक है इनसे कोई बात हुई? हाँ मेरी बात हुई। क्या कहते हैं ये? कहते हैं ये आप जमीन बेच दो या मैं फैक्ट्री का ताला लगा देता हूँ, इसका क्या जवाब है? आपकी जमीन बेचने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, या आप जमीन बेच दो या मैं ताले लगा दी, बताओ। मैं फैक्ट्री तो इतना, मेरी गुंजाइश को नहीं, फैक्ट्री बंद करा दी हूँ मैं।
भाई मेरी गुंजाइश को नहीं भाई, इतनी बड़ी फैक्ट्री में बंद करा सकता हूँ, नहीं करा सकता, देनी पड़ेगी और क्या करेंगे अब, यहाँ करेंगे क्या, मजदूर आवे को नहीं खेत में, फसल बिका को नहीं, फिर इसका करेंगे। इन्होंने टैंक लगा रखा है, ये जो धुआं साफ करने का फिल्टर है, ये फिल्टर को ये लोग चला नहीं रहे और धुआं काला निकालता है। सामने दरख्त देख लो सब काले है, सारे खेत काले हैं, नरमा काला हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही है, सिर्फ दिखावे के लिए और कुछ नहीं करते ये लोग। नुकसान की तो क्या फसल, 70-80% है ही नहीं कुछ फसल, जाके फोटो ले देखो करो कुछ नहीं है। 2 क्विंटल किले का नरमा काला निकलता है, जबकि 10 क्विंटल नरमा हो सकता है, 2 क्विंटल वो भी काला निकलता है, तुगने वाले तुगने नहीं जाते, बर्बाद हो रही है फसल सारी। तो अब यहाँ के जो मालिक हैं उनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर उनका इस संबंध में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? राकेश। ये फैक्ट्री आपकी है क्या? हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, किस चीज का काम हो रहा है यहाँ? यहाँ खाद बन रहा है, रॉ मटेरियल खाद का, बेंटोनाइट ग्रैन्यूल्स कहते हैं इसको। नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है क्या, इलीगल कुछ? नहीं, नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ। ये रबड़ जो जलाया जाता है वो नियम के अकॉर्डिंग है? नहीं, रबड़ कब जल रहा है आप बताइए, चलते में कहीं यूज़ हो रहा है या कहीं हो रहा हो, वैसे ही पड़ा है ये तो स्टॉक में मेरा पहले का, जब फैक्ट्री बना था तब का। यहाँ आसपास के किसानों को भारी दिक्कत हो रही है। हाँ। पेड़ पौधे भी बिल्कुल काले हो रहे हैं, इसका समाधान करेंगे इनके साथ बैठ के, जो ये बोलेंगे वो उसके लिए तैयार हैं आप, तब तक फैक्ट्री नहीं चालू करेंगे, जब तक ये खुश नहीं होंगे। मेरे सबसे पहले किसान भाई हैं, उसके बाद और कुछ है, व्यापार बाद में है, किसान भाई पहले हैं। तभी आप ये जो इसके अंदर मटेरियल यूज कर रहे हो रबड़ वाला कब कर रहे हैं? टायर यहाँ पर पड़ा है, बुरादा उसका पड़ा है, स्मेल यहाँ पर आती है, आप कह रहे हो कहाँ यूज होता है? हाँ तो कहाँ हो रहा है, आप चलते में कभी भी आप जब मर्जी आइए, कल आइए, परसों आइए, जब भी चले फैक्ट्री तब आके आप चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गांव के 100 लोग यहाँ आए हुए हैं, पंचायत आई हुई है, कई लोगों को तो आपने ये तक बोल दिया कि जमीन बेच के चले जाओ, ये आरोप आपके सामने लगा रहे हैं और आप कह रहे हो कि गांव वाले आपके लिए जमीन खरीदना होता तो ये रेंट पे होते हैं, ये हमारा किराए पे चल रहा है, अगर ये खरीदना होता तो वो हम खरीद ही लेते हैं, खुद ही किराए पे चला रहे हैं, तो ये इल्जाम लगाना होगा। हो सकता है आपको जमीन मिली ना हो इसलिए आपने रेंट पर लिया और उससे आपने भी गाँव भी जमीन बेच दीजिए, आप ऐसा कुछ? ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ का पर्दाफाश कर रहे हैं यहाँ रंधावा गांव के ग्रामीण, जो कि ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। 1 साल से ये फैक्ट्री और यहाँ पर जो मटेरियल का प्रयोग होता है विशेष तौर पर रबड़ के बुरादे का, तो उससे जो परेशानियाँ हो रही है वो तमाम जानकारी, जो समस्या परेशानी है वो सारी की सारी विस्तार से इन्होंने बताई है। और इसके बाद यहाँ पर जो मिला है, जो बुरादा यहाँ पर बरामद हुआ है वो भी आपने देखा, और उसके बाद उस पर किस तरह की लिपापोती यहाँ के जो संचालक है इस फैक्ट्री का वो कर रहे हैं वो भी आपने सुना। तो अब देखना ये होगा कि रंधावा गांव के अंदर इस तरह से एक हिसाब से ये इलीगल इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बनाया जा रहा है और आबादी क्षेत्र के लोगों को और विशेष तौर पर किसानों को उनकी फसलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ किस तरह से भविष्य के अंदर क्या कुछ बनेगा, यहाँ की इस समस्या का किस तरह से समाधान जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ, इसी तरह की नई अपडेट के लिए जल्द आपको एक बार फिर आपको इसी तरह की खबर आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।